जो टाटा प्रोजेक्ट से, और जो इसका हेडक्वार्टर है वो मुंबई में। इसके डिविजन्स की अगर बात करें तो उसको रियल इस्टेट का इसका मेन जो वर्क है वो होता है। दोस्तों इसकी प्रोजेक्ट्स की अगर हम बात करें तो जो हमारा शेयरवुड है बेंगलुरु में वो टाटा प्रोजेक्ट्स ने ही बनाया है, और जो हमारा ग्रीन एकर्स है कोचीन में ये भी टाटा एकर्स ने ही बनाया हुआ है, और जो हमारा ये है पेरेग्राइन मुंबई में ये भी टाटा एकर्स ने बनाया है, और हमारा जो है विला पैराडाइज गोवा में इसको भी टाटा प्रोजेक्ट्स ने ही बनाया है, और जो ब्लू हिल्स है पुणे में इसको भी टाटा प्रोजेक्ट्स ने ही डेवलप किया है। फ्रेंड जो हमारी फोर्थ कंपनी है वो है जेपी ग्रुप। इसका एस्टेब्लिशमेंट 1979 में हुआ था। इसके जो फाउंडर हैं वो हैं जयप्रकाश गौर जी, इनका जन्म बुलंदशहर उत्तर प्रदेश में हुआ था 1930 में, और इन्होंने अपनी ग्रेजुएशन सिविल इंजीनियरिंग कंप्लीट की थी। उसके बाद इन्होंने गवर्नमेंट जॉब की इरिगेशन डिपार्टमेंट में एज अ जूनियर इंजीनियर। उसके बाद कुछ साल बाद इन्होंने अपना कॉन्ट्रैक्टर का बिजनेस स्टार्ट किया। जेपी ग्रुप की फाउंडेशन उन्होंने रखी और काफ़ी सारे अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट्स इन्होंने बनाए हुए हैं, और इसके बाद 2010 में इन्होंने अपना रिटायरमेंट अनाउंस किया था, और 2010 में फोर्ब्स मैगजीन ने इनको 48th रिचेस्ट पर्सन ऑफ द वर्ल्ड में भी रखा था, बताया हुआ था। और अगर इसके हेडक्वार्टर की बात करें जेपी ग्रुप की तो ये नोएडा यूपी में इसका हेडक्वार्टर है। नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ 80,000, और डिविजन्स की बात करें इसमें रियल इस्टेट, इंजीनियरिंग, सीमेंट, कंस्ट्रक्शन, आईटी, पावर, एक्सप्रेसवेज, ये सारे इसके डिविजन्स हैं। और दोस्तों अगर हम इसके मेगा प्रोजेक्ट्स की अगर हम बात करते हैं तो इसमें जो हमारा सरदार सरोवर डैम है नावागम में जो है गुजरात में, वो जो हमारा जो वर्ल्ड का ये सेकंड हाईएस्ट डैम है, इसकी जो हाइट 163 मीटर है, इसकी स्पिलवे कैपेसिटी जो है 84,949 क्यूबिक फीट पर सेकंड है, ये जेपी ग्रुप ने ही बनाया हुआ था। और दोस्तों इसके बाद जो टेहरी डैम है उत्तराखंड में, ये लार्जेस्ट रॉक एंड अर्थ फिल डैम इन एशिया है, तो इसको भी जेपी ग्रुप में ही बनाया हुआ था। उसके बाद यमुना एक्सप्रेसवे जो उत्तर प्रदेश में है वो भी जेपी ग्रुप ने ही बनाया है, और जो बुद्धा इंटरनेशनल सर्किट है इसको भी जेपी ग्रुप ने ही कंस्ट्रक्शन किया है। और जो हमारी पांचवी कंपनी वो है जीएमआर गांधी मल्लिकार्जुन राव, इस्टेब्लिश की गई थी 1978 में। इसके जो फाउंडर हैं वो हैं गांधी मल्लिकार्जुन राव, इन्हीं के नाम पर यह कंपनी है। इन्होंने इनका जन्म 1950 में आंध्र प्रदेश में हुआ था, और इन्होंने मैकेनिकल इंजीनियरिंग से इंजीनियरिंग की थी। नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ की बात करें तो 10,000 एम्प्लॉयज़ हैं इसमें, और डिविजन्स की बात करें ये इंफ्रास्ट्रक्चर डिवीज़न पे ही वर्क करती है। और दोस्तों अगर इसके प्रोजेक्ट्स की हम बात करें तो इसमें आपको इसमें जीएमआर का जो राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट हैदराबाद में है ये जीएमआर ने ही कंस्ट्रक्ट किया था, इसके लिए इनको गोल्डन पिकॉक का अवार्ड भी मिला हुआ है। और दोस्तों कंस्ट्रक्शन की बात करें तो जो इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट है दिल्ली में, यानी कि आईजीआई एयरपोर्ट, इसके एक्सपेंशन में भी जीएमआर ग्रुप का ही हाथ है, इसके एक्सपेंशन में जीएमआर ग्रुप ने वर्क किया हुआ है। और फ्रेंड्स बात करें हम सिक्स कंपनी की तो वो है गमॉन इंडिया। इसका इंट्रोडक्शन बताएं तो इट इज़ द लार्जेस्ट सिविल इंजीनियरिंग कंस्ट्रक्शन कंपनी, ये लार्जेस्ट सिविल इंजीनियरिंग कंस्ट्रक्शन कंपनी है। इसको एस्टेब्लिश किया गया था 1922 में। इसके जो फाउंडर थे वो थे जॉन सी गमॉन, और इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है, और एरिया सर्व्ड वर्ल्ड वाइड वर्क करती है कंपनी। डिविजन्स इसके हैं सिविल इंजीनियरिंग कंस्ट्रक्शन, इन दोनों डिविजन पे ये वर्क कर रही है। और दोस्तों के मेगा प्रोजेक्ट्स की अगर बात करें तो महात्मा गांधी सेतु पटना बिहार गमॉन इंडिया के द्वारा ही कंस्ट्रक्ट किया गया था, और फाउंडेशन ऑफ गेटवे ऑफ इंडिया जो है, गेटवे ऑफ इंडिया जो मुंबई में, उसका फाउंडेशन भी गमॉन इंडिया के द्वारा ही बनाया गया था। और रेलवे टनल बनाई गई थी, जो कोंकण रेलवे की टनल रत्नागिरी महाराष्ट्र में है, वो गमॉन इंडिया के द्वारा ही कंस्ट्रक्ट की गई थी। और जो सेवंथ नंबर पे कंपनी आ जाती है वो है एचसीसी हिंदुस्तान कंस्ट्रक्शन कंपनी। इसको एस्टेब्लिश किया गया था 1926 में, और जिसके फाउंडर थे वो थे सेठ वालचंद हीराचंद। इनके बारे में अगर बात करें तो ये एक इंडस्ट्रियलिस्ट थे, और इन्होंने वालचंद ग्रुप की स्थापना की थी, और इन्होंने इंडिया के फर्स्ट शिपयार्ड की भी स्थापना की थी। एमडी की बात करें तो अजीत गुलाबचंद इस समय एमडी हैं,
मैनेजिंग डायरेक्टर। नंबर ऑफ एम्प्लॉयज इस समय 3000 और डिविजन्स की हम बात करें तो कई सारे डिविजन्स हैं जैसे कि इंजीनियरिंग, कंस्ट्रक्शन, रियल इस्टेट, इंफ्रास्ट्रक्चर, अर्बन डेवलपमेंट एंड मैनेजमेंट। और दोस्तों अगर मेगा प्रोजेक्ट्स की बात करें तो काफ़ी अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट्स इनके पास इन्होंने बनाए हैं, और उसमें से बांद्रा वर्ली सी लिंक जो मुंबई में है जो कि समुद्र के ऊपर से एक हाईवे बनाया गया है जो कि काफ़ी बढ़िया लगता है दिखने में। और जो दिल्ली फरीदाबाद स्काई वे आपने देखा होगा तो इस तरह से वो दिखता है और काफ़ी बढ़िया स्ट्रक्चर ये भी है। कोलकाता मेट्रो में भी इन्होंने कंस्ट्रक्शन कराया हुआ है। मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे जो है उन्होंने उसमें भी कंस्ट्रक्शन हुआ है। और दोस्तों 8th नंबर पे जो कंपनी है वो है एयरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड। इसको एस्टेब्लिश किया गया था 1976 में और इसके एमडी इस समय है एस के चौधरी। इसका हेडक्वार्टर दिल्ली में न्यू दिल्ली में है। टोटल एम्प्लॉयज 1600, वर्किंग इन 14 कंट्रीज यानी 14 कंट्रीज में इनका कंस्ट्रक्शन का बिजनेस चल रहा है। डिविजन्स की बात करें तो इसमें इंजीनियरिंग, कंस्ट्रक्शन, ट्रांसपोर्ट, इंफ्रास्ट्रक्चर इनके डिविजन्स हैं। और दोस्तों इनके मेगा प्रोजेक्ट्स की अगर हम बात करते हैं तो इसमें न्यू बीजी रेल लिंक जो जम्मू कश्मीर में है वो इन्हीं द्वारा कंस्ट्रक्ट किया गया है। और बात करें दीघा सोनपुर रेल रोड ब्रिज का जो कि काफ़ी लंबा ब्रिज है बिहार में, वो भी एयरकॉन इंटरनेशनल ने बनाया है। और दोस्तों बात करें 9th नंबर पे हमारे सिंप्लेक्स कंपनी है। इसको एस्टेब्लिश किया गया था 1927 में। नंबर ऑफ एम्प्लॉयज 3000 एम्प्लॉयज इसमें काम करते हैं। प्रोजेक्ट्स की अगर बात करें तो 2600 से ऊपर प्रोजेक्ट्स इन्होंने कंप्लीट कर लिए हैं। डिविजन्स की अगर हम बात करें तो इंजीनियरिंग, ब्रिजेस, ट्रांसपोर्ट, पावर प्रोजेक्ट, ये सारे डिवीजन पे कंपनी वर्क कर रही है। अगर प्रोजेक्ट्स की मेगा प्रोजेक्ट्स की हम बात करें तो बियोमंडे मुंबई में जो बिल्डिंग है इन्होंने कंस्ट्रक्शन इसका किया था, और एयरपोर्ट टर्मिनल उदयपुर राजस्थान में जो है वो भी कंस्ट्रक्शन सिंप्लेक्स द्वारा ही किया गया था, और स्टेट असेंबली इम्फाल में भी इनका कंस्ट्रक्शन वर्क हुआ था। और दोस्तों 10th नंबर पर जो हमारी कंपनी है वो है रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर। इसको इस्टेब्लिश किया गया था 2002 में। इसके फाउंडर जो हैं वो हैं अनिल अंबानी जी, और नंबर ऑफ एम्प्लॉयज 8988 एम्प्लॉयज में वर्क करते हैं। और सर्विसेज की अगर हम बात करें तो ये इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन करती हैं, डिस्ट्रीब्यूशन करती हैं, और नेचुरल गैस का एक्सप्लोरेशन करती हैं, उसको ट्रांसपोर्ट करके डिस्ट्रीब्यूशन करती हैं। तो ये सब वर्क रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी वर्क करती है। और दोस्तों मेगा प्रोजेक्ट्स की अगर हम बात करें तो मुंबई मेट्रो में भी इनका जो इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन का वर्क है वो भी होता है, जो इलेक्ट्रिसिटी वहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट की जाती है। और बात करें वर्ली हाजी अली का जो पार्ट ऑफ वेस्टर्न फ्रीवे है मुंबई में वो भी रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर द्वारा ही कंस्ट्रक्ट किया गया था। और दादरी पावर प्रोजेक्ट जो यूपी में इस समय कंस्ट्रक्शन उसका मतलब इस समय होने वाला है। तो दूसरी तरफ मैंने आपको बताया टॉप 10 कंस्ट्रक्शन कंपनीज के बारे में। उम्मीद है आपको जानकारी पसंद आई होगी। अगर कोई भी सुझाव आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, और हमारे चैनल सब्सक्राइब ना किया हो सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि इस तरह से कई सारे वीडियोस आपके लिए हम लेके आते रहेंगे। थैंक यू। जय हिंद।